of India, Mr. Narendra Modi, has been adept and serious in its pursuit of tackling climate change. किस प्रोजेक्ट पे था, क्या कुछ देखिए, एशिया यूरोप पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें विभिन्न देशों ने रूस था, चाइना था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऐसे एशिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण देशों के साथ साथ यूरोप के सारे देश, 28 के 28 देश उसमें शामिल हुए थे और यूरोपीय पार्लियामेंट में ब्रसल्स में ये आयोजन हुआ था जिसमें हमारी मुख्य जो चिंता थी वो क्लाइमेट चेंज पर थी। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, माइग्रेशन, सिक्योरिटी, इस पर क्या पड़ रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने अपने देश की तरफ से प्रतिभाग किया था। जो हमारा डेलीगेशन था उसका मैं लीडर के तौर पर, मुझे देश ने नियुक्त किया था, हमने भारत का वहाँ पर नेतृत्व किया था हमारे प्रतिनिधिमंडल का, और उसके कारण मुझे यूरोपीय पार्लियामेंट में अपने देश की तरफ से विचारों को रखने का अवसर मिला जिसमें हमने इस बात को रखा कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे यहाँ कोई माइग्रेशन नहीं होता है। दूसरी चीज़ हमने इकोनॉमिकली जो हमारा इफेक्ट होता है उसके ऊपर अपनी बात को रखा था, और सिक्योरिटी के मामले में हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग तो बेहतर तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निपट रहे हैं, लेकिन चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री में जो विकासशील देश थे उसमें लगभग पूरी दुनिया ये मानते हैं कि हिंदुस्तान उनका नेता, जैसे ये मानते हैं कि विकसित देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, वैसे ही पूरी दुनिया में एक ये विचार बन गया है कि विकासशील देशों का नेतृत्व हिंदुस्तान कर रहा है। तो हमने वहाँ पर एक प्रमुख मांग ये रखी थी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री हैं, उन्होंने तो अपना दोहन कर लिया, प्राकृतिक दोहन कर लिया उन्होंने, जिसके कारण वही लोग जिम्मेदार हैं जो पर्यावरण में परिवर्तन आया है। तो हमने ये बात रखी थी, चूँकि अब हमने काम शुरू किया है और हम काम को कर रहे हैं तो हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं, अगर हम उसको रोक देंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। तो इसलिए